नमस्कार मेरे मित्रों, जय मां शारदे। इस साल कब पड़ रही है महाशिवरात्रि, जानेंगे सही तिथि और शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और उसका महत्व। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। मान्यता के अनुसार इस दिन शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए ये पर्व हर साल शिव भक्त लोग धूमधाम से मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करते हैं और विधि विधान के साथ शिव गौरी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग पर विराजमान होते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई उपासना कई गुना उसका अधिक फल प्राप्त होता है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि 2024 में महाशिवरात्रि का शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि और पूजा की विधि, महत्व और एक अचूक उपाय। बताना चाहूंगी कि जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि की जो तिथि है हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 8 मार्च संध्या कालीन 9:57 पर होगी। इसका समापन अगले दिन 9 मार्च संध्या कालीन 6:17 पर होगा। तो शिव की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में ही की जाती है, इसलिए उदय तिथि देखना जरूरी नहीं होता। तो ऐसे में महाशिवरात्रि का जो पर्व होगा वो 8 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि का पूजा का जो मुहूर्त है 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन जो भी पूजा की जाएगी वो शाम को 6:25 से 9:28 तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा पूजा के 4 पहर के शुभ मुहूर्त और हैं। प्रथम रात्रि में जो पूजा का पहला पहर है, प्रथम पहर है, शाम को 6:25 से शुरू होकर के 9:28 तक रहेगा। तो इस पहर पे भी आप पूजा कर सकते हैं। रात्रि द्वितीय पहर जो पूजा का समय होगा वो आपका 9:28 पर शुरू होगा और 9 मार्च 12:31 तक रहेगा। तो ये भी पूजा का दूसरा पहर है। रात्रि तीसरा पहर जो पूजा का होगा वो 12:31 पर शुरू होगा और 3:34 तक रहेगा। रात्रि पूजा का जो चौथा समय होगा यानी चतुर्थ पहर होगा तो वो 3:34 से प्रातः 6:37 तक रहेगा। तो इसमें आप पूजा कर सकते हैं। 4 पहर है और चारों पहर में आप पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाएगा। तो आप इसी पहर। निशिता काल मुहूर्त क्या होगा? निशिता काल मुहूर्त रात 12:07 से शुरू होगा और 12:55 पर रहेगा 9 मार्च 2024 तक। व्रत का जो पारण करने का समय है वो सुबह 6:37 पर शुरू हो जाएगा और दोपहर 3:28 तक रहेगा 9 मार्च को। तो आपको 9 मार्च में सुबह व्रत का पारण करना है। शिवरात्रि व्रत की पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है? प्रातः स्नान ध्यान करने के बाद पूरी श्रद्धा के साथ में भगवान शंकर के व्रत का आपको संकल्प करना है। संकल्प के दौरान उपवास की अवधि को पूरा करने के लिए शिव माँ पार्वती का आशीर्वाद आप जरूर लें। इसके अलावा आप व्रत किस तरीके से रखेंगे, यानी फलाहार रखेंगे या निर्जला रखेंगे, इसका भी आपको संकल्प करना है। फिर शुभ मुहूर्त पर आप पूजा विधिवत शुरू करेंगे। पूजा में आपको क्या करना है कि भगवान शिव भगवान की शिवलिंग हो या भूख हो तो उनको पंचामृत, शहद, दही, दूध से उनका रुद्राभिषेक आप जरूर करेंगे। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो पंचामृत से ही उनकी पूजा आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि शिव भगवान को पंचामृत चढ़ाएंगे, साथ ही साथ एक लोटे में केसर मिला करके आप भगवान जी को जल समर्पित करेंगे और पूरी रात्रि आप दीपक जला करके रखेंगे। अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। इसके अलावा चंदन का टीका भी आपको लगाना है। बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, फल, जो भी उनके पसंदा, जो भी उनको पसंद है, आप वो सब चीजें भगवान जी शिव जी को चढ़ाएंगे। इसके बाद आप केसर युक्त खीर का भोग लगा करके सबको प्रसाद में प्रसाद बांटेंगे। किन चीजों से करेंगे आप
शिव का अभिषेक। महाशिवरात्रि पर्व के दिन आप भगवान शिव की उपासना के साथ साथ शिवलिंग में शहद का अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से श्रद्धालु के कार्य के जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को रुद्राभिषेक दही से करने से क्या होगा, जो भी आपके जीवन में आर्थिक परेशानी होगी उससे आपको छुटकारा प्राप्त होगा। आपको शिवरात्रि के दिन अगर आप गन्ने के रस से उनका अभिषेक करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे प्राप्त होगी। उसके बाद आपको बेलपत्र चढ़ाते हुए आपको क्या करना है कि बेलपत्र पे आपको ओम नमः शिवा चंदन से लिख लेना है, और लिखने के बाद आपको वो एक बेल 11 या 21 या 51 बेलपत्र आपको शिव जी पर समर्पित करना है, और उसमें आपको मंत्र का जाप करना है, ओम पार्वती पतेह नमः का आपको जाप करना है। तो इससे क्या होगा, आपके जीवन में जो भी अकाल संकट होगा उससे आपको मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार से आप शिव भगवान की पूजा कर सकते हैं और अर्चना कर सकते हैं। और शिव भगवान की पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन शिव भगवान की शादी हुई थी माँ पार्वती जी से, तो इसका विशेष ध्यान रखिए और इसी तरीके से शिव भगवान की पूजा कीजिए। बहुत इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।